अवधपुरी सब प्रेम स्वर्ग समान सुरंग जमावा बंधु देख बंधु हर्षाये बंधु देख बंधु हर्षाये अखिया न पीत न छुपत छुपाये मन सो प्रीत करे सब होई मन सो प्रीत करे सब होई नर नारन सब एगत होई अवधपुरी सब प्रेमहि जावाए स्वर्ग समान सुरंग जमावा बंधु देख बंधु हर्षाये अखिया न प्रीत न छुपत छुपाये क्यों ठाकुर पढ़ चुके रामायण हाँ पढ़ तो चुका लेकिन मिर्जा ये रामायण इतनी मीठी है कि जब भी इसे छोड़ने लगे यही मालूम होता है जैसे भरे हुए थाल पर से उठ बैठे हैं आंखें थक जाती हैं जी नहीं थकता तो और पढ़ो अभी बांग नहीं हुई उठ बैठे ठाकुर तुम तो थोड़ा और पढ़ना चाहते थे ना अच्छा मैं और पढ़ूं उधर तुम्हारे नमाज का वक्त गुजर जाए और उसका पाप मुझे लगे वाह मिर्जा तुम भी बड़े अजीब आदमी हो हमें एक दूसरे के पड़ोस में रहते हुए एक जमाना बीत गया मगर तुम साफ साफ कभी नहीं कहते कि तुम्हें क्या चाहिए भाई मेरे जिसका पड़ोसी तुम जैसा आदमी हो और जिसे बगैर कुछ कहे सुने सब कुछ मिल जाता हो उसे मुंह से बोलने की क्या दरकार तुम शुरू करो मैं यह टीटी अभी बंद करा देता हूँ जब बन आए दूल्हा मोरे अंगना जब बन आए दूल्हा मोरे अंगना जब पकड़ी थी मोरी बाँह मोरे राजा वो दिन बिसरही ना मुलिया चलो हटो नाम लेते हो अमीना क्या कहेगी मिर्जा से कहेगी कि तुम भी मुझे नाम लेकर बुलाया करो अरे भरी मानसो अपने ये गीत बंद करो मिर्जा जी नमाज पढ़ रहे हैं अकबर क्या अम्मा अंदर से छाछ तो लाइयो बेटा अच्छा आओ मिर्जा आज बाजी हमारी अजी छोड़ो
आज ऐसी चाल चलूंगा कि सारी चौपड़ी भूल जाओगे। अरे तुम्हारी खोपड़ी तो नहीं खराब हो गई? मेरा बादशाह लिए जाते हो? वाह मिर्जा वाह। इन मोहरों की अजीब बात है, जब तक पिटारी में है तब तक ऐसे घुले मिले रहते हैं कि तमीज करना मुश्किल। मुदा इधर पैंतरा बदल कर अखाड़े में उतरे, उधर एक दूसरे के खून के प्यासे बने और लड़ने लगे। वो क्या लड़ेंगे मिर्जा, लड़ाने वाले तो हम तुम हैं ना। लो मैंने ये मोर्चा बांधा। अच्छा लो बचो। डरपोक भागे डरकर। मैं डरपोक? ये लो, याद है जब हमारे गांव का बंद टूटने पर एक आदमी डूबने लगा था, हजूर मना करते रहे, फिर भी मैंने सबसे पहले छलांग लगाई। खुद भगत जान का खतरा था मगर पीछे नहीं आता। ठीक है, मगर सर के बल पत्थर पर गिर पड़ने से बेहोश तो हो गए थे ना। मुझे भी पहचानना मुश्किल हो गया था। खोपड़ी ऐसी खराब हो गई थी कि कई दिन तक अस्पताल में पड़े रहे। याद है कि नहीं? खोपड़ी अब भी बिगड़ सकती है मगर हिम्मत नहीं बिगड़ सकती। देखो तो चाचा, ये सिर खोलोगे कब तक चुड़ैल बनी रहेगी? चल बाल बना। ये क्या गड़बड़ मचा रखी है? पार्टी में ध्यान ही नहीं लगने देते। कौन था? कोई भी नहीं, तुम दूसरे मोहरों की खैर मनाओ। ए, 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 ये क्या है? आगे मेरी सहेली आई। यहाँ हो तुम? मैं कहता हूँ मोहरा वहीं रख दो। एक बार मोहरा रखा गया। रखा कैसे गया? जब तक आदमी हाथ ना हटा ले तब तक उठा सकता है। डरपोक डरपोक डरपोक, जबान संभाल कर बोला करो ठाकुर। जरा जरा बातें तुम दबाते हो। क्या कहा? फिर तो कहो एक बार। अरे इन लड़कों की आदत बुरी, जब जरा शांति से खेलने बैठो आगे शोर मचा देंगे और चिल्लाते क्या है जैसे बाप दादा की जायदाद बांट रहे हैं। खबरदार खबरदार, अगर इस पर हाथ उठाया तो मेरा गुस्सा काबू में नहीं रहेगा। प्रसाद की जल्दी बदमाश है, इधर हाथों पे। बदमाश, इस पर तुम फिजूल क्यों बिगड़ते हो? इसकी कोई सता नहीं है। तुम इसको सह देते हो ये सर पर चढ़ता जाता है, और जब मैं इसे समझाना चाहता हूँ तो तुम इसे बगल में लेकर खड़े हो जाते हो। तो फिर बच्चा क्या मुफ्त आया है? जरा जरा पाल कर इतना किया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम इसे सर पर चढ़ा दो और मैं चुपचाप देखता रहूं। क्या मजाक है, बच्चे एक हो गए, बड़े अभी तक लड़ते ही जाते हैं। इन गधों के सबब जो लड़े उससे बड़ा गधा और कौन होगा? हम और तुम दोनों। अरे मोहरे कहाँ गए? मार तो चुके सबको, वो गए जहनुम में। दे दो भाई, क्यों तंग करती हो? ला बड़ी अच्छी है। अरे दे दो ना। अब मेहरबानी करो, बहुत हो चुका। अभी खाने में तो देर है। और हाँ, अभी नईम आने वाला है, गोकुल आने वाला है। ओहो
वन में उमंग छा गई, वन में उमंग छा गई, तू मन में छा जा। जग हरियाली कदम कदम पर अम्बुआ महके, कोयल बोले डाली डाली तू भी कूक सुना। साजन आजा मन की नगरी आए बसा जा, साजन आजा मन की नगरी आए बसा जा, मन का राजा मन का राजा। तुम्हें मैं बुलाऊं बात नहीं कहने की, वह बात नहीं कहने की, पर मैं नहीं चुप रहने दी। वह बात नहीं कहने की, पर मैं नहीं चुप रहने की, तू मन में आ जा। वन में बहार आ गई, तू मन में आ जा। वन में उमंग छा गई, वन में उमंग छा गई, मैं गिर 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 गिर। ये क्या बदतमीजी है, अगर कोई देख ले तो। एक बार नहीं हजार बार देख ले, हमें किसके बाप का डर। बस बस बस, मेरे बाप का डर है और वो कल ही आने वाले हैं। अब हमें जरा ज्यादा सोच समझ से काम लेना होगा। गिरजा, ये चोरी चोरी मिलना तो अब। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि चोरी के बेर ज्यादा मीठे होते हैं। मैं तो इस छिप छिप कर मिलने से तंग आ गया, चलो आज ही सबसे कह रहे हैं। मुश्किल, बाबूजी तो मुझे उस बंद पर से गिरा देंगे और माँ बेचारी। दुनिया में दो चीजें नहीं छिप सकती, एक खांसी दूसरे जवानी का प्यार। ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी? इमली खट्टी है, दिखाओ तो। झूठे कहीं के, ये तो गुड़ की तरह मीठी है। ये क्या, अब इसमें मिठास आ गई। मामी छेल छबीली नार, भूटा सा कद श्याम सा मुखड़ा, अखियां तेज कटार, अखियां तेज कटार। अरे ये तो जयराम है। तो फिर कल मुहर चुगलखोर भी है, भूटा भी है, आज ही देखेगा, कल बाबू जी से सो कहेगा। मामी है कभी लीला, मामी अखियां तेज कटार, सचमुच अखियां तेज कटार। मामी
जा रहा मामा? बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हो? अरे भाई, बड़ी बाई के लिए दवा भी तो हमें ही लानी पड़ती है। और वो लड़की गिरजा, वो माँ का ख्याल नहीं करती? वो छोटी, उसका नाम ना लो भाई, कहने को इतने बड़े बाप की बेटी है, चार किताबें भी पढ़ गई है, पर छोकरी का है कि गांव की बिल्ली है वह। मामा क्या बात की है तुमने, गांव की बिल्ली, तीन लफ्जों में उस लड़की पर मजमून लिख दिया। अरे ये क्या, जरूर कोई पेड़ पर छिपा बैठा है। छोड़ो मामा, होगा कोई बंदर बंदर। नईम कहाँ है? आता है। ओ नईम! क्या है? ये मारा। ओ बाप रे! माँ हम आ गए। अब चलो, क्या खेलते हो? खाना एकदम ठंडा हो गया, बच्चे रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तुम लोग अभी तक। अरे जरा ठहरो ना भाई। अब्बा आप खत्म कीजिए ना, कब से खेल रहे हैं? अरे भाई अभी तो शुरू किया है। भैया, चचा तुमने खेलना शुरू किया था शुक्रवार, आज शनिचर है। शनिचर? हाँ। चल झूठ है कहीं का। अरे अभी तो बैठे हैं, इन लड़कों से पूछ ले। चाचा उठो ना, बहुत भूख लगी काका। जबीले रोक काका, चाल जबीले रोक, अब्बा बोला उठे डरपोक, अब्बा बोला उठे डरपोक। अब्बा दाढ़ी खूब हिलावे, अब्बा दाढ़ी
बाले शोर मचाए, बच्चे बाले शोर मचाए। खुदा रहम करे, ये गांव के दो हिस्से नहीं मालूम होते। मालूम होता है जैसे दो जुड़वा बच्चे कोहरे की चादर ओढ़कर सोए हुए हैं। जब भी देखें दिल भर आता है। क्यों नहीं भराएगा भैया, अपने घर, अपने यार दोस्त, अपने ढोर डंगर, खेत, मंदिर, मस्जिद, ये गांव नहीं, ये हमारा संसार है। ठीक है, लेकिन ये गांव डूबेगा। हाँ, ये गांव डूबेगा और इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन नहीं तो हमारी ये बंद की कंपनी डूब जाएगी। इसका मतलब बताता। मौजूदा बंद गिरने वाला है। जब तक इसे पानी रुका हुआ है तब तक नया बंद यहां बना लेना चाहिए। इस तरह जो गांव पानी तले आ जाएगा उसके लिए हर्जाना देना होगा। अगर ये ना हुआ तो कंपनी खत्म। ओंकार बाबू, आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपकी बदौलत ये कंपनी खड़ी है और आपको ही इसे बचाना चाहिए। बचाने का तरीका एक ही है। इधर तशरीफ लाइए। मौजूदा बंद के गिरने से पहले पहले ऐसा बड़ा बंद यहां बनाना होगा। कंपनी इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकती। अगर एक बार ये पुराना बंद गिर गया तो फिर पानी रोक कर नया बंद बनाने का खर्च उठाना हमारे बस का रोग नहीं और ना ही कंपनी के जिंदा रहने की कोई आशा है। मगर नया बंद इतना ऊंचा क्यों बनाया जाए? इससे थोड़ी जगह में ज्यादा पानी जमा हो सकेगा, ज्यादा बाग सैराब होंगे, ज्यादा कारखानों को पानी मिलेगा। आपको मैं चंद लफ्जों में सारी बात समझाता हूं। इस वक्त आपको 4 रुपए सैकड़ा नफा मिल रहा है। ये नया बंद लग जाने के बाद ये नफा 25 रुपए सैकड़ा तक पहुंच जाएगा। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? आपका ये ठहराव पास। और क्या चाहिए? क्यों जी, इतना बुरा क्यों लगा? गांव डूबेगा इसलिए? नहीं नहीं, गांव वालों को पैसे देने पड़ेंगे। गांव वालों को पैसे देकर भी खर्च कम होगा, लेकिन इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर ये पुराना बंद गिर गया
तो फिर दुगना खर्च करके भी नया बंद बनने की आशा नहीं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे कि नफा भी बढ़ जाए और गांव भी बच जाए, ताकि गांव वालों को पैसे न देने पड़े? उपाय ये है कि बंद यहां लगाया जाए, लेकिन इस लंबाई को तो देखिए, इसका खर्च चौगुना होगा, वो कहां से आएगा? ये छोड़ दीजिए। लेकिन अगर गांव वालों ने गांव बेचना मंजूर ना किया तो अपनी ये बन की कंपनी खत्म होगी। खत्म? बाबूजी, पैसा सब कुछ करा लेता है, आजकल तो आदमी भी बिकते हैं, फिर खेत वेत का क्या है? मैं खुद उसी गांव का रहने वाला हूं, मैं सबको जमा करूंगा और उनसे कहूंगा तुम्हें अपनी अपनी जमीन की कीमत मिलेगी। कंपनी किसी का नुकसान नहीं करना चाहती, क्यों जयराम? हजूर, आपकी कंपनी किसी का नुकसान क्या करेगी, इसमें तो सबका फायदा ही फायदा है, क्यों गोवर्धन? हाँ मामा, जो चार पंच कहें हमें मंजूर, क्यों जुम्मन? हाँ, हम तो कोरे कागज पर अंगूठा लगाने वाले हैं। हजूर, आपने जो कहा इन्होंने आंखें बंद करके मान लिया। तो फिर जल्द ही नए बंद का काम शुरू होगा और उस पर चार गुना आदमी काम करेंगे। आज जमीन की कीमत लो, कल काम करने की उजरत लो, किसी को एतराज तो नहीं है, क्यों जयराम? अरे सरकार, दो दो और चुपड़ी हुई, ये तो आप लोगों का जलसा हो गया। हाँ, कसाई भी बकरे को मारने से पहले खिला पिलाकर इसी तरह जलसा करा देते हैं। तुम मुझे कसाई कह रहे हो? जी नहीं, मैं इन लोगों को बकरे कह रहा हूँ। बापू, क्या ये तुम्हें मंजूर है? और चाचा, तुम्हें भी? चाचा, इस वक्त चुप रहने से काम न चलेगा, गांव की जिंदगी और मौत का सवाल है। सरकार, कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे गांव भी बच जाए और बंद भी लग जाए? हाँ है, लेकिन वो रास्ता कंपनी को मंजूर नहीं। और अगर गांव वालों को जमीन बेचना मंजूर न हो तो? मंजूर क्यों नहीं, कंपनी पैसा दे रही है। और पैसा दुनिया में बड़ी चीज है। लेकिन दिल का सब्र भी दुनिया में बड़ी चीज है, अपना ईमान भी दुनिया में बड़ी चीज है, अपना घर भी दुनिया में बड़ी चीज है। बोलो भगत राम, बोलो जुम्मन, साफ साफ बोलो, क्या तुम अपने घरों पर सिर्फ इसलिए हल चलवाओगे कि वो हल चांदी का बना हुआ है? भाई, तुम्हारी और ठाकुर की बात हमने आज तक कभी टाली है क्यों जुम्मन? हाँ, ये दोनों गांव के चौधरी, इनका कहना टालकर हम रहेंगे कहाँ? ये चबा चबा कर बातें करना बुरा, साफ साफ कहो हमें अपना गांव देना मंजूर नहीं। मैं नहीं समझता इस टूटे फूटे गांव में है ही क्या। जिसे आप टूटा फूटा गांव कहते हैं उसी की मस्जिद में बांग की गूंज है, मंदिर में भजनों की गूंज है, आकाश में हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद की गूंज है। ये गांव नहीं, ये हमारा तीरथ है, ये गांव नहीं हमारे पुरखों का गुजरा हुआ जमाना, ये गांव नहीं हमारी आने वाली औलाद का सपना है, ये गांव नहीं ये हमारी माँ है, इसी की गोद में हम पैदा हुए, इसी की गोद में खेले कूदे, इसी की गोद में बड़े हुए। मैंने ये तो सुना है कि किसी भूखी मरती हुई मां ने बच्चा बेच दिया, मगर मैंने ये कभी नहीं सुना कि किसी बच्चे ने अपनी मां को बेच दिया हो। अगर कोई ऐसा कपूत है जिसको चार पैसों की चमक ने अंधा कर दिया हो,
तो वो सामने आए और अपने मुंह से कहे मुझे पैसे दो, मैं अपनी माँ को निलाम करता हूँ। बाबूजी, जरा माँ के पास तो बैठिए ना। बगैर किसी मानत की कुर्बानी के ये काम होना मुश्किल। मैंने सुना है जब इस पहले बन को बनाने लगे थे तो आज बनता था कल टूट जाता था। झक मार कर एक मानस की कुर्बानी दी गई तब कहीं जाकर ये बन बनने पाया। और अब के तो उससे भी बड़ा बंध है हुजूर, सरकार के ना मानने का अंदेशा है। वरना चाहिए तो थी ठाकर और उसके छोकरे दोनों की कुर्बानी देनी। क्या बेटा, बाबूजी किसी पर बहुत बिगड़ रहे हैं। क्यों बेटी, क्या बात है? क्या कहूँ माँ, मुझे गले से लगा लो, मुझे गले से लगा लो माँ। ये गिर गई थी। गिरने दो, डूबने दो, आज मुझे ये गिरना और टूटना ही अच्छा लगता है। अजू, जब बड़ा बन लग जाएगा तो ये दरिया समंदर हो जाएगा। बन बनेगा, जरूर बनेगा। देखता हूं कौन माई का लाल मुझे रोक सकता है। साथी जन्म मरण का तू, साथी जन्म मरण का तू, कदम कदम पर दुनिया में, हाँ कदम कदम पर दुनिया में, साथी जन्म मरण का तू। शोभा मेरे घर की है, रौनक दुनिया भर की है, रौनक दुनिया भर की है, जन्म मरण का साथी तू है, जन्म मरण का साथी तू है, साथी जन्म मरण का तू। तुझसे सुख जी का, तुझ बिन जग फीका, बिन जीना का, तू मेरा मैं तेरा रे। तू मेरा मैं तेरा
का साथी तू है, जन्म मरण का साथी तू है साथी, जन्म मरण का तू। मन की खुशियों के मोती और हीरे पग पग पर बिखरे, मन भूला जग भूला रे। मन भूला जग भूला रे, जन्म मरण का साथी तू है, जन्म मरण का साथी तू है साथी, जन्म मरण का तू। कदम कदम पर दुनिया में, हाँ कदम कदम पर दुनिया में साथी, जन्म मरण का तू। खबरदार हो, पारी आवत है। अरे कहाँ जात हो, पानी आवत है। ठाकुर खोल दे पानी के दरवाजे। ठाकुर तुम्हें आज से छुट्टी है। छुट्टी? छुट्टी कैसी सरकार? कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं। इतने साल कंपनी की नौकरी की, मिर्जा और इन लोगों के साथ मिलजुल कर काम किया, अब इस बुढ़ापे में कहां नौकरी ढूंढूंगा सरकार। नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है, नया बंध जल्द बनेगा, उस पर बहुत से आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तुम भी आ जाना। ठाकुर वहां कोई दूसरा आदमी भेजो, ठाकुर को छुट्टी मिल गई है, देखते क्या हो मिर्जा। ए ठाकुर का काम तुम करो, मिर्जा काम शुरू करो। देखो भैया, हम यहाँ नौकर हैं, बाहर पड़ोसी हैं। तुम्हारी नौकरी छूट गई, हमारा पड़ोस तो नहीं छूटा। एक कमाएगा, दोनों मिलकर गुजर बसर कर लेंगे, समझ गए? ये मिर्जा भी एक चीज है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। कल अकेला हुजूर के पास आया था, मेरा माथा तो उसी वक्त ठनका था।
हजूर, मैंने ठाकर के मन में चिंगारी सुलगा दी है। उससे मैंने यूं ही झूठ मूठ कह दिया कि कल मिर्जा आपसे मिलने आया था। अब आग अपने आप भड़केगी। टक टक टक, ये सुना तेरा गीत 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 ए रागनी देवी, मेहरबानी करके जरा उधर चली जा। क्यों? तेरा गाड़ा सुनकर मछली भाग जाएगी ना। हाँ, और कोई सांप आ जाएगा। आने दो, लेकिन तुम ना आना। तुमने मेरी मछली क्यों छुड़ा दी? जब तुम्हारा बाप बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ रहा है तो तुम्हें इस छोटी सी मछली की क्या फिक्र है? तुम तो खफा हो जाते हो, मगर मेरा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के पेट पर लात मारी है। क्या कहना, एक भेड़िए ने एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुमने उस दिन मुझे गाली क्यों दी थी। बकरी के बच्चे ने सौगंध खाई। भेड़िया बोला, तुम ना होगे तुम्हारा बाप होगा। वही बात तुम्हारी है,
गिर जा। जिसकी बात एक लड़की भी ना सुने उसे तो डूब मरना चाहिए। तो डूबो ना फिर। डूबता तो सही लेकिन मुझे तैरना आता है ना। छोटी भी अच्छा। आज पूर्णमासी का मेला है, सारा गांव चौक में जमा हो नाचे कूदेगा। बहादुर गोकुल उस टीले के मंदिर में जाएगा तो गिरजा का साथ नहीं ले जाएगा। मैंने कब आपसे प्रार्थना की कि मेहरबानी करके मुझे भी साथ ले चले। तो तुम नहीं चलोगी। नहीं नहीं नहीं। तो हम लोग मंदिर में चलेंगे। तुम तो पागल हो गए हो। अगर देर हो गई तो बाबूजी मेरा गला। तो तय हुआ, हम लोग चलेंगे। वाह, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जो मछली पकड़ते वक्त बोलना नहीं चाहिए। तय हुआ, हम लोग चलेंगे। छोटी बीवी, अजी छोटी बीवी, लो आ गया कम्बा। देखो उसे ही पता न लगने पाया कि मैं यहाँ थी। तो शाम को आओगी ना? क्यों बे, अब तेरी इतनी मजाल? मैंने समझा था कोई सांप है। खा खा कर सांड हो गया है तू? हाँ, तुम्हारे बाप की कमाई खा रहा हूँ ना। वो वक्त भी दूर नहीं। आज तुम्हारा बाप बेकार हुआ है, कल तुम बेकार होगे, फिर मेरे ही बाप की कमाई खाओगे। चुगलखोर, अगर तुमने ज्यादा बकबक की तो तेरा घर बार जला दूंगा। जा जा, घर जला देगा और उसके बाद जब पंचायत बैठेगी तब। पंचायत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? समझ गया, तुझे घमंड है कि पंचायत में तेरा बप्पा और मिर्जा है, तुझसे कुछ ना कहेंगे। राजू, हजूर किला फतेह हो जाएगा, ठाकर और मिर्जा में अब ठनी के ठनी। क्या कोई जड़ी बूटी मिल गई है? उससे भी बढ़कर हजूर एक जंतर मंतर मिल गया है। पगला, इनके हाथ में चटाई देखी और समझा नमाज पढ़ने आए हैं। कहता है ठाकुर पढ़ चुके रामायण।
बात है, शतरंज अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो चलो आज हम खेलें। नौकरी छूटने का इतना गम लगा है कि किसी तरफ ध्यान ही नहीं। अगर खेलते तो जरा जी बहल जाता। अरे ये घोड़ा एकदम इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? अरे ये टमटम की मरियल खच्चर नहीं, घुड़दौड़ का घोड़ा है। देख देख ये मारा बेवकूफ, मोरा टूट जाएगा। ये क्या बात, जब हम जरा आराम से खेलने बैठते हैं तो आप शोर मचाने लग जाते हैं, ये बात बुरी। ए, अरे वो गधे, तेरा वजीर मर रहा है ना? ये क्या बापू, इसे खेलने दीजिए। डरता क्यों है, चल ऊंट बड़ा। छिनकर बापू और चाचा आप शुरू हो गए। शुक्र है बाबा, उनका मन मुटाओ तुम बेटा। अमीना अखबार कहा है कि दो आदमियों के बीच से आग नहीं ले जाते, उनमें लड़ाई हो जाती है। आज तो सारे गांव के बीच में से मशाले निकलेंगी तो क्या सारे गांव में लड़ाई हो जाएगी? अखबार अखबार।
कैसे जाएंगे? मगर इस वक्त पानी छूटा कैसे? ये काम तो हुआ। जाओ जाओ। अगली रुकती क्यों हो? अगर मैं रात भर बाहर रही तो बाबूजी जमीन आसमान एक कर देंगे और माँ जी रो रो कर मर जाएंगी। और अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि मैं तुम्हारे साथ थी तब तो। मगर उन्हें बताएगा कौन? लेकिन जिस हरामी ने ये आग लगाई है उसकी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगा। हाँ, उसकी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगा। तुम्हें किसी पर शक है क्या? शक नहीं, यकीन है। बाबा जरा पंचायत तो होने दो, सरपंच तो तुम ही होगे ना, तुम्ही से इंसाफ मांगूंगा। ये जयराम ऐसा वैसा नहीं, डरेगा नहीं। हमेशा सच बोलेगा। मैं साफ साफ कहता हूँ, हाथ गोकल ने लगाई है। हाँ हाँ, इस गोकल ने। अच्छा, गोकुल, धर्म से कहो, क्या जयराम से तुम्हारी कल कुछ गर्मा गर्मी हुई थी? कहो कहो, धर्म से कहो, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा घरवार जला डालूंगा? जयराम, चुप रहे, पंचायत की जबान है। अच्छा, ऐसा ही सही। कम वक्त जो जी में आता है वक्त देता है। लो, मगर इन्हें कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि दोस्त भी हैं, पड़ोसी भी हैं। ठाकुर, लौंडे को बोलने दो, तुम क्यों दखलदारी करते हो? क्यों गोकुल, तुमने ये तो नहीं कहा था ना कि मैं आग लगा दूंगा? मैंने कहा था, मगर मैंने आग नहीं लगाई, ना मैं उस वक्त वहां मौजूद था। तो कमबख्त ये क्यों नहीं बताता कि तू कहां था? मैं उस वक्त। हाँ हाँ, बोल, कहा था, किसके साथ था, क्या करता था, बोल। मैं सच कहता हूं, मैंने आग नहीं लगाई। मिर्जा, जरा अकल से काम लो, क्या गोकुल आग लगा सकता है? इसको तो तुम बचपन से पहचानते हो। ठाकुर, पंचायत किसी को नहीं पहचानती, वो पहचानती है सिर्फ एक ही चीज, इंसाफ। तो क्या तुम गोकुल को दागी बना दोगे? अगर वही कहेगी दागी तो हम भी कहेंगे दागी। तो मैं उगाही देता हूं कि गोकुल बेकसूर है। मगर क्या तुम ये भी बता सकते हो कि जब आग लगी उस वक्त गोकुल कहां था? मगर रमान की सौगन खाकर कहना। अगर ये कर सकता तो इस नालायक पंचायत के पचड़े में क्यों फंसता? ठाकुर, होश करो। ठाकर, जरा जवान संभाल कर, तुम अपने घर में बड़े होगे, मगर पंचायत तुमसे भी बड़ी है, पंच परमेश्वर का रूप। अरे बैठ, मैं अंधा नहीं हूँ, तू अपने मालिक का कुत्ता है। मेरी चाकरी छूट गई, मिर्जा अभी तक काम कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि सारा गांव मिलकर मेरी गर्दन काटने को तुला हुआ है। बापू चुमदार, तूने मेरा मुंह काला कर दिया। ये सब खुशाम भी लोग पंचायत के नाम पे हमें बर्बाद करना चाहते हैं, और इनका मुखिया ये सरपंच ठाकुर।
मैं सरपंच नहीं बनना चाहता था। मुझे सरपंच तुमने और जयराम ने बनाया है। जब मैं इस धरती पर बैठने लगा तो मेरे दिल ने मुझसे पूछा था, दुनिया में तेरा कौन है, भाई बेटा दोस्त पड़ोसी? अगर कोई है तो वापस चला जा। उस वक्त मैंने जवाब दिया था, दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे ख्याल है सिर्फ खुदा का और खुदा के इंसाफ का। मैंने कहा जिसे गवाही कसूरवार बताएगी उसे दागी कह दूंगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेरा बेटा नईम हो, चाहे ठाकुर तुम ही क्यों ना हो। बोलो पंचो, तुमने सब कुछ सुन लिया। जब आग लगी तब गांव के सब लोग वहां आ गए, लेकिन गोकुल नहीं आया। तो इससे ये मतलब कैसे निकलता है कि आग इसी ने लगाई है? हाँ, लौंडा ठीक कहता है, इस बात की उगाही होनी ही चाहिए। हाँ, गवाही होनी ही चाहिए। उगाही ये रही, ये ताबीज मुझे आपके पास मिला था। देखो गोकल का ही है ना? मेरा ही है। मगर ये कहाँ गिरा? जयराम ने इसे कहाँ से उठाया और आग कैसे लगी ये मैं नहीं जानता। मैं सब कहता हूँ जब आग लगी उस वक्त मैं वहाँ नहीं था। तो बाजी बताता क्यों नहीं कि तू उस वक्त कहाँ था? तू बकरी के बच्चे की तरह इनके सहयोग के हाथ अपनी गर्दन कटवा रहा। ठाकुर सोच समझ कर बात करो। पंचायत गांव की इज्जत है। तो क्या मेरी और मेरे खानदान की कोई इज्जत नहीं? अगर चाहे तो घर में चलकर उसकी तमड़ी उछाल दो। मैं चू भी करता हूँ तो मेरे मुंह पर जूता मारो। मगर जहाँ पंचायत में बदनामी हो गई तो लोग कहेंगे कि उस दागी का बाप है। मिर्जा, तुम लोग ओंकारनाथ की दी हुई चांदी की छुरी से मेरे बेटे को जिबा कर रहे हो। मिर्जा जी, गोकुल, पंचों ने फैसला किया है कि तुमने आग लगाई, इसलिए जयराम के घर की कीमत तुम्हें देनी होगी और साथ ही 100 रुपया जुर्माना। जब तक ये न दो तब तक तुम्हारा हुक्का पानी बंद। वाह मिर्जा जी, आज तो तुमने विक्रमाजीत का इंसाफ जिंदा कर दिया। क्यों बेटा, क्या तुम भी मुझसे गुस्से हो? नहीं चाचा, मेरा फर्ज था, मैंने तुम्हें सजा दी, मगर अब मुझ पर गुस्सा करके मुझे उल्टी सजा न देना। नहीं चाचा, मैं तुम पर कभी गुस्से नहीं हो सकता। तो बच्चा एक बात और बता दो, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुमने तो आग नहीं लगाई ना? नहीं चाचा, मैंने आग नहीं लगाई। मुझे परमात्मा की सौगंध, मुझे तुम्हारे पांव की सौगंध। अल्लाह तेरा रहम। क्या हुआ? किसी की बद्दुआ लग गई, अपने बच्चे को कहीं का न रखा। मैं कहती हूँ होश करो,
तुम्हारे सर में पहले ही जख्म लगा था, अगर अब फिर चोट लग गई तो और आफत खड़ी हो जाएगी। होने दो, अगर उसी वक्त मर जाता तो अच्छा था, ये बेइज्जती की जिंदगी उस मौत से बुरी। अरे जा, एक बार नहीं, 100 बार कहूँगा। जुबान बंद कर, शर्म नहीं लगती? शर्म उसे लगे जिसने किसी का घर जलाकर उसका धुआं अपने मुंह पर मल लिया हो। जा शैतान, यहाँ से दफा हो जा। दफा कैसे हो जाऊँ, घर तो तुम्हारे लाडले ने जला दिया। जरिमाने के रुपए रख दो, फिर यहाँ थूकने भी नहीं आऊंगा। जयराम, आदमियत से बाहर होना ठीक नहीं। तसल्ली रखो, तुम्हारे रुपए मिल जाएंगे। मिल कहाँ से जाएंगे, बेटे का हुक्का पानी बंद है, बाप बेकार होकर बैठ गया है। बेकार, सुन लिया तूने, जापने में जाते बच्चे पूछ अभी तक उसका कलेजा ठंडा हुआ या नहीं। अगर नहीं तो टक्की का पार उठाकर मेरे सर पर दे मारे और मेरी लाज किदों को खिला दे। अम्मा, मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, मगर आज तुमसे एक भीख मांगता हूं। मेरे पास इस वक्त काफी पैसा नहीं है, अपनी माला उतार दो ताकि मैं उस कसाई जयराम का रुपया चुका दूं। पहले और यहाँ से मुंह काला कर। मिर्जा, बस अब हल हो चुकी। वाह भाई वाह, पहले जख्म लगाया था, अब मरहम लगाने के बहाने नमक छिड़कने आए हैं। मिर्जा, तुमने पहले ही मुझ पर जो जो मेहरबानियां की है उनके भार से मेरा सर नहीं उठता। अब ये रुपए का दान रहने दो। मिर्जा, तुम मेरा फिजदा कर चुके, मेरी इज्जत को सड़क की धूल बना चुके, अब उसे लात मारने आए हो। ठाकुर भैया, उस वक्त फर्ज ने मेरे हाथ बांध रखे थे, मैं कर ही क्या सकता था। रहने दो, अब मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। उठाओ अपने जान के रुपए, उठाओ। खबरदार ठाकुर, लात न मारना, इसमें बीवी के गहने हैं। तुम यहां से जाते हो या नहीं? ये अंधा गुरूर अच्छा नहीं। चंडाल, तुमने चुगली करके मेरी नौकरी छुड़वाई, बेइंसाफी करके मेरे बेटे को दागी बनाया और कहते हो ये अंधा गुरूर अच्छा नहीं। मगर अंधा मगरूर कौन है, मैं या तुम? अरे तुम तो पागल हो गए हो। होने दो, मगर अभी इतना समझता हूँ कि तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। जाओ जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। नहीं, नहीं, गाड़ी लाओ, सामान भरो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। गाड़ी लाओ, सामान भरो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चुप, जो मैं कहता हूँ वो करो। ये मैं अब मुंह नहीं देखना चाहता, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता।
ये क्या हुआ? ये हमारी दोस्ती और पड़ोस की लाश है, रहने दो इसे यहीं। और ये अपने कैलेंडर के निशानी भी साथ ही लेते जाओ। मैं तुमसे आंचल फैला कर कहती हूँ, अब भी इन्हें मना लाओ। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, आदमी नहीं मिलता। चलते चलाओ गाड़ियां। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया, अब ये घर नहीं हमारी दोस्ती की खबर है। बेटा क्या है? हाँ दे बहन। अम्मा, जब हम ये घर सच में छोड़ रहे हैं। चुप। ठाकुर के छोकरे ने आग लगाई थी ना, उस पर सारा गांव फू फू कर रहा है। अरे बस बस बस, इतनी गर्दन टेढ़ी न कर, वरना मटका गिरकर टूट जाएगा और गांव के कुंवारे यहाँ फिसल फिसल कर गिरेंगे। चल मुँह है, तेरी माँ बहन है या नहीं? माँ बहन है, औरत नहीं। मुँह है जूही, ये तू क्या कर रही है? देखो ना छोटी बीबी, मैं कह रही थी वो ठाकुर का छोकरा मुआ गोकुल, तू दूसरों के झगड़े में क्यों दखल देती? जा अपना काम कर। अब तुम ही कहो मेरा क्या अपराध है? तेरा अपराध ये है कि तू खामखा किसी का नाम लेत है। खामखा? पंचायत हो गई, फैसला हो गया, उससे एक बार पूछा गया तू कहाँ था, चुप। दूसरी बार पूछा गया, चुप। आखिर तुम ही बताओ वो रात के वक्त कहाँ था? ये तो तू ही जानत होगी। अरे क्या मैं ऐसी वैसी हूँ? मुझे उस मुंह से क्या काम? गया होगा किसी कलमुई के पास, गया होगा किसी अपनी होती सोती के पास। मिर्जा जी, मिर्जा जी, गोकुल बेकसूर है। मिर्जा जी, गोकुल बेकसूर है। फिर जा। भरत अवध महाशोक मनावे, राम बिना कछु नाही सुहावे। हमारी दोस्ती और पड़ोस की लाश,
हमारी दोस्ती और पड़ोस की लाश। भरत अवध महाशोक मनावे। कौन पढ़ता है? भरत जी राम के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हम क्यों हो गया? जाकर कहो पढ़ता जाए। जाओ जाओ। अभी बिजली कड़की थी ना, जब भी कोई जोर का धमाका होता है इनका माथा खराब हो जाता है। कहो पढ़ता जाए। शोक मनावे, राम बिना कछु नाही सुहावे। मन अखियन जग मिटा उजेला, अवधपुरी में भरत अकेला। भैया ए सब दुख संकट कारण केवल मैं हत भागा। इत उत खोजे इत उत डोले, गूंगी रसना काहे बोले। मिर्जा, तुमने कहा था ये हमारी दोस्ती और पड़ोस की लाश है। तुम्हें मालूम नहीं जहाँ आदमी की मौत हुई हो अगर वहाँ दिया जलाया जाए तो वह आदमी उसी घर में जन्म लेता है, जरूर उसी घर में जन्म लेता है। खेल मिल जा, आज बाजी हमारी। खेल भाग गए डरपोक। वरना मैं मर जाऊंगा। है बे सरजू के घर। क्या कहा? सरजू के घर। खबरदार जी उधर गया, चल बैठ। वाह, हमारी गोलियां और लट्टू कौन लाएगा? सामने बोलता है, चल बैठ आराम से। आप क्या पागल हो गए? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तुम लोग क्यों मेरा दिमाग चाटते रहते हो? क्यों तो फिर उधर गया तो टांगे तोड़ डालूंगा। मेरे सामने कोई ठाकुर उसके घर का नाम न ले, कोई उनका जिक्र न करे। अगर फिर मैंने सुना तो ठीक नहीं होगा। बदमाश। डरपोक। हाँ मैं डरपोक हूँ। उसने मुझे इतना कुछ कहा और मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहा। अभी जी चाहता है कि एक बार उधर हुआ, लेकिन नहीं, मैं क्यों जाऊं? मेरा क्या कसूर था? कसूर भी उसी का और अकड़ भी उसी की। मर जाऊंगा लेकिन मुंह नहीं देखूंगा जालिम का।
मिर्जा चाचा को बुला लाऊं क्या? खबरदार, ये मिर्जा का नाम किसने लिया? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो मेरे घर में कोई उसका नाम ना ले। आज खेत पर जाने में इतनी देर क्यों हो गई? अब खेत है ही क्या दिन, सारा गांव तो बेचने को तैयार हो गया। खबरदार, अगर पेड़ काटा तो। अरे दादा, काटेंगे, ये पेड़ हमारा है। तुम्हारा है? नहीं काटने दूंगा। काटेंगे। अरे बाबा, तुम पड़ोसी हो, काहे को झगड़ते हो? अरे रहने भी दो ये अड़ोस पड़ोस की बातें, इस गांव में पड़ोस सब खत्म हो गया है। जहाँ ठाकुर और मिर्जा जैसे पड़ोसियों की ना निभी तो हम तुम कौन से तीन तेरा में है? देखो अब्दुल्ला, इसका नतीजा बुरा होगा। बुरा हो या भला, मगर हम गांव नहीं बेचने देंगे। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। क्या बात है अब्दुल्ला मियां? देखो ना भैया, चार पैसों के लोभ लालच में बंद वालों को गांव बेचने पर उतारू हो गए हैं। देखिए जनाब, अगर आप ही इस तरह करने लगे। चुप रे छोकरे, आया हमें उपदेश सुनाने। ये सबक अपने गाड़ी में भरकर घर ले जा, किसी दिन काम आएगा। दूध के दांत अभी टूटे नहीं, हम बुढ़ों के सामने बोलता है। जब गांव पर तबाही आ रही हो और बूढ़ों की आंख न खुलती हो तो छोटों को ही जागना पड़ता है। बूढ़े अपनी उम्र खा चुके, उनका लहू ठंडा हो चुका। वो अगर गांव की तरफ से बेपरवाह हो जाएं तो हो जाएं, उनके दो चार साल किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे। मगर छोटों के सामने तो अभी उनकी सारी उम्र पड़ी है, वो क्या करेंगे? अगर वो जवानी में ही बूढ़े हो गए तो समझ लो उनका और उनके गांव का खुदा हाफिज है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ तुम लौंडे लौंडे समझदार हो, हम ठाकुर और मिर्जा सब कुछ नहीं समझते। हाँ हाँ, नहीं समझते। अब्बा और चचा दोनों के अकल पर गुस्से और घमंड का पर्दा पड़ गया है। भूल बूढ़े करते हैं, नतीजा छोटों को भुगतना पड़ता है। क्या कहने, तू कल का छोकरा और हमें अकल सिखाता है। बापू, उसने तुम्हें थोड़े ही कहा है। तुम भी परेशान हो ना, जिसके बाप ने तुम्हारी गर्दन काट दी तुम उसे ही गाड़ी में लिए फिरते हो। तुम्हारे पीर पुरखा बेवकूफ और तुम समझदार, बाप दादा को गालियां देते शर्म नहीं आती? ठाकर से मिलने आए हो मिर्जा? क्या कहा? वही अपने ठाकर भैया, चलो ना, वो रहे सामने। ठाकर मिर्जा साहब मिलने आए हैं। मुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ कौन गधा तुमसे मिलने को तड़प रहा है? तुम और तुम्हारा लौंडा दोनों मुझे गांव भर में गालियां देते फिरो और मैं तुमसे मिलने दौड़ू? चचा, चुप बेशर्म। बेहया, जो हाथ लिए थप्पड़ मारते हैं तू उन्हीं को चूमने दौड़ता है। चल उतर, चल घर, चल। खबरदार, अगर मैंने फिर तुम्हें इस बदतमीज के साथ देखा तो बुरा होगा। क्यों चौधरी, क्यों मियां, देख लिया तमाशा? अरे भाई, अब इस गांव का जमाना गुजर गया, तुम क्यों अपना नुकसान करते हो? चलो चलकर हुजूर से कह दो कि हम सब खेत बेचने को तैयार हैं। कल दिवाली के बाद कचहरी में चलकर सब लेखा पढ़ी करा देंगे। आओ आओ, चलो जी आओ। भैया, अब इस गांव का इकबाल गया। सुनिए भगत राम जी, हजरत, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, चार दिन और ठहर जाइए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अब क्या रास्ता निकालोगे? भगवान की कृपा होगी तो सौ रास्ते निकल आएंगे। मेरी खातिर सिर्फ चार दिन ठहर जाइए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा, मगर ये गांव जिंदा रहेगा। ठहरिए, सुनिए, ठहरिए सुनिए। अच्छा, तो चार दिन और ठहरेंगे, दिवाली की वजह से कचहरी तो बंद ही है। सुनिए,
क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ किसी तरह गांव बच जाए। कितनी बड़ी थी ये चट्टान, छोटी हो या बड़ी, बारूद के सामने दोनों बराबर है। हजार बार तुझे कहा है सुरंग का बारूद इस तरह खुदा ना रखा कर। अभी जो चट्टान उड़ा दी गई उसके लिए निकाला जा रहा खंडर। अच्छा गोकुल जाता हूँ। अरे जी इधर आ। ये आया।
पता नहीं गोकुल को क्या हो गया है। बुरे दिन आए हुए हैं। वो पहले ही पागल हो गए, अब इसको कुछ हो गया है। बता मैं क्या करूं? तू मेरे पेट का बच्चा तो नहीं है, मगर बेटे से कम भी नहीं है। तेरे सोए किससे कहूं? चची, तू जरा भी फिक्र ना कर चची। हमारे घर दूर हो गए हैं, दिल तो नहीं दूर हो गए। मैं सब देख लूंगा। उठ मोरी प्यारी बेटी, राज दुलारी बेटी, झटपट वो तैयार। आज है भैया दूजा, आज है भैया दूजा, माँ बलिहारी बेटी, माँ बलिहारी बेटी, थाली में भर पकवान। टीका मैं लाई भैया, टीका मैं लाई भैया, खुश खुश आई भैया, खुश खुश आई भैया, आज मेरा त्योहार। चांद है भाई मेरा, रोहिणी भाभी मेरी, चांद है भाई मेरा, रोहिणी भाभी मेरी, दोनों का रूप आलू। सागर में जैसे मोती, मोती में जैसे ज्योति, सागर में जैसे मोती, मोती में जैसे ज्योति, ऐसा है भाई मेरा, ऐसा है भाई मेरा। भाई कहाँ
सारी दुनिया खुशियां कर रही है, आप क्यों गमगीन है? सारा गांव जगमगा रहा है, आकाश में बादलों की रुई धुनकी जा रही है, हवा उस रुई की बत्तियां बना रही है, बिजली उन बत्तियों को जला रही है और तारे चांद की आरती उतार रहे हैं। छोटी बेबी, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम चाहो तो सोने की दिए जलाकर आरती करो, मगर आरती किसकी करूं? आज भैया दूज के दिन मालूम होता है कि मेरे सोने के दिए किसी काम के नहीं हैं। सोने से सब कुछ मिलता है, मगर जो भाग में न लिखा हो वो फिर भी नहीं मिलता। वो भी मिलता है, मेरा भाई कहाँ था? इसी तरह भैया दूज की एक सुंदर शाम को मैं अपने आंगन में उदास खड़ी थी। छोटी बीबी, हम लड़कियों के लिए आश्रय की जगह या तो माँ की प्यारी गोद है, या दिल का गुब्बार निकालने के लिए वीर भाई का कंधा। मैंने चांद की आरती करके थाल धरती पर रखा, और बीबी भगवान की लीला देखो, मोती सामने खड़ा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे आकाश का चांद धरती पर उतर आया। आ गए मोती भैया। भैया, तुम्हारी राह तकते तकते मेरी तो आंखें भी पक गईं। कौन है? मैं नहीं हूं बहन। क्या तुम्हें मालूम है आजकल गोकुल को क्या हो गया है? नहीं तो बात को अधूरा छोड़कर क्यों चले जा रहे हो? जरा ठहरो तो, मुझे भी चिंता सी हो रही है। बात क्या है? कुछ झुंझलाया हुआ सा है, ना वो आंखें हैं ना वो निगाहें हैं, जाने रात को देर तक कहां फिरता रहता है। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई खौफनाक काम करने जा रहा है। परसों यहाँ खड़े कर रहे थे, मैं जान दे दूंगा। कुछ दिन हुए मेरे पास चट्टान पर आया था, उसी दिन से बारूद का एक डिब्बा गायब है। अरे तुम यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सुन सकोगी? तुम्हारे पिताजी उस पुराने बंद के आधार पर नया बंद बनाने वाले हैं। मैं उसे बारूद से उड़ाना चाहता हूँ। ओ माँ, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अगर तुमने ऐसा भयानक काम किया तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये मेरी चिंता का ढोंग छोड़ो। मैं जानता हूं तुम मुझे डराकर रोकने के लिए आई हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप के मंसूबे मिट्टी में मिलाना चाहता हूं। गिरजा, तुमने चार दिन पहले दिए जलाकर अपनी दिवाली मनाई थी, मैं आज इस बारूद से ये बंद उड़ाकर अपनी दिवाली मनाऊंगा। जरा यहीं ठहर कर देखो, अभी सुरंग में आग लगेगी, अभी बंद के पर्चे उड़ेंगे और शायद उसके साथ ही हवाई गोले की तरह मेरे प्राणों की जोत भी उड़कर आसमान पर चली जाएगी। जमीन पर मेरा बेजान जिस्म रह जाएगा, उसे पांव तले रौंद कर घर जाना। तुम ये बातें किससे कर रहे हो? तुम अगर चाहो तो मेरे प्राणों की जोत लो और उससे ये सुरंग उड़ा दो। मैं अपने माँ बाप घर बार सबको छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं,
अब अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर। अपने घर? अब तो तुम्हारे ही घर जाऊंगी, और वो भी हर बल्लभ ठाकुर की बहू बनकर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुमसे ब्याह की बिना यहां से नहीं टलूंगी। पगली, छोड़ो, अब मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ चुकी। गिरजा, मैं अपना नाश कर सकता हूं मगर तुम्हारा नाश नहीं कर सकता। क्या कहा? मैं अपना नाश कर सकता हूं तुम्हारा नहीं कर सकता? ये तुमने मेरा तेरा कब से सीखा? पहले तो हम तुम दो नहीं थे, एक थे। आज तक मेरे मन की खुशी तुम्हारे होठों से मुस्कुराती रही है, तुम्हारे मन का दर्द मेरी आंखों से झांकता रहा है। आज तक हम चार हाथों से फूल चुनते रहे हैं, चार आंखों से सपने देखते रहे हैं, एक दिल से सोचते रहे हैं। तुमसे ब्याह करने में मेरा नाश नहीं होगा, मुझे जीवन मिलेगा। मैंने गांव वालों को कल तक ही मोहलत दी है, और अगर कल तक ये बंद ना उड़ा तो वो बेईमान जयराम सबके खेत बिकवा देगा। नहीं, अब समय नहीं है। गिरजा, होश करो, ये तुम्हारा पागलपन है। जरा सोचो तो, अगर मैंने तुमसे ब्याह कर लिया और उसके बाद मुझे कुछ हो गया या मैं पकड़ा गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? ऐसा न कहो, मैं तुमसे ब्याह करूंगी, सुहाग की माला गले में डालूंगी और हमेशा ये समझती रहूंगी कि मेरे गले में माला नहीं, तुम्हारे प्यार का जीता जागता हाथ है। जब बिंदी लगाऊंगी तो अभिमान की सुर्खी से सारा चेहरा खिल उठेगा। जब चार औरतों में बैठूंगी और वो औरतें अपने अपने पति के एक एक गुण का बखान करेंगी तो मेरा मन पुकार पुकार कर कहेगा कि गिरजा, तेरा बालम इन सारे गुणों की खान है। हाँ क्यों नहीं कहते, कहो अब तुम मेरी बन गई हो। मुहूर्त टल रहा है, आओ ब्याह करें। कल का सूरज अभी सो रहा है, जब तक वो न जागे तब तक रात का राज हमारा है। हमारे ब्याह का इंतजाम हो गया, वो देखो सप्तऋषि हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़े हैं। तारों से सजा हुआ आकाश हमारे ब्याह का मंडप है, ये पेड़ पौधे हमारे ब्याह के बराती और घराती हैं। ये बेले मेरे ब्याह की सखियां हैं। तुम सिर्फ हाँ कह दो, कुदरत हमारा ब्याह करा देगी। तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो, मुझसे ब्याह करोगे? मैं ये जयमाल तुम्हारे गले में डालूंगी
और इसके सूखने से पहले पहले तुम बंदलाने के लिए चले जाओगे। मैं तुम्हें बिल्कुल न रोकूंगी। अब तो तुम्हें एतराज नहीं है, अब तो तुम मुझसे ब्याह करोगे ना? हाँ गिरजा। हो गया तो जाओ, मेरी चिंता न करो। औरतें अपने ब्याह के मंडप को प्यार और आदर की आंखों से देखती हैं और चाहती हैं कि वो मंडप सदा वैसा ही बना रहे, मगर ऐसा नहीं होता और मंडप हटा दिया जाता है। लेकिन मैं कितनी सौभाग्यवती हूँ, जिस मंडप के नीचे मेरा ब्याह हुआ है वो सदा इसी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहेगा, और मैं उसके नीचे हर रात नई ब्याही हुई दुल्हन बनी तुम्हारे आने की राह देखती रहूंगी। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, मगर ये हम कैसे देख सकते हैं कि इस वक्त हम दोनों कैसे मालूम होते हैं? अगर मैं देख सकती तो सुहागरात की इस शोभा को हमेशा याद रखती। चले गए। कौन? आ बेटी, कौन है तू? मैं आपके घर आसरा लेने आई हूँ। अब मैं आपकी बहू बन गई हूँ। हैं? बहू? मगर गोकुल कहाँ है? वो बन की तरफ। कहाँ बन की तरफ? इस रात के वक्त? भगवान ही मालिक है। क्या बात है, साफ साफ कहो, बोलती क्यों नहीं? मुझसे सब कुछ कह दो। मैं नहीं कह सकती, कोई भयानक काम। ओह, ये बच्चे मुझे पागल कर देंगे। मुलिया, ओ मुलिया, मैं जा रहा हूँ। ये तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, तुम्हारी बहू, इसे संभालो।
इसकी मांग भरो और अंदर ले जाओ। मैं अभी आया। देखो भैया, जान दे दूंगा, मशाल ना दूंगा, अब ये बंद मैं उड़ाऊंगा। और मैं पांव में मेहंदी लगाकर घर में बैठूं? हाँ, बैठना पड़ेगा, नहीं तो चचा और घर का ख्याल कौन करेगा। और भाई मेरे, अब तो तुम ब्याह भी कर चुके हो, अगर तुमको कुछ हो गया तो उस बेचारी की दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। छोड़ दो। ये बात झूठी, गाँव में झगड़े की आग मैंने लगाई है, मैं ही बुझाऊंगा। मेरी मौत तुम क्यों मरो? छोड़ दो। नहीं, छोड़ मुझे। भैया तुम मुझसे बड़े हो, अगर कोई बेअदबी हो गई हो तो माफ करना, इसका नतीजा बुरा होगा। नहीं नहीं, गोकुल फेर जा, कंबा फेर जा। चचा मैं गोकुल नहीं, नहीं हूं। कौन? नहीं। हाँ, तू यहां क्या कर रहा है? बारूद ला मशाल, मुझे दे, जेल हो जाएगी, मर जाएगा। जो होता है होने दो, मैं इस वक्त न रुकूंगा। जब तक बूढ़ा बाप जीता है तब तक जवान बेटा नहीं मर सकता। चाचा मैं तुम्हारा गोकुल नहीं हूं, नहीं हूं, मिर्जा साहब का बेटा। चुप, जबान काट लूंगा। मैं मिर्जा साहब का बेटा हूँ, मिर्जा तेरा बाप और मैं तेरा दुश्मन। इतना सा था तू तो मेरी गोदी में पल पल कर जवान हुआ है। ला मशाल मुझे दे। और वो कमबख्त गोकुल कहाँ है? बंद की तरफ जा रही है। Thank you.
दिया है तुम मोहरे लाओ, एक बाजी हो जाए। बाजी का शौक पूरा हो गया, हम दोनों को और गांव वालों को इस बंट के शतरंज पर मोहरे बनाकर लड़ाया गया। हम लड़े और अब मरने को है। ठाकुर मेरे प्यारे दुश्मन, चलो। नहीं भैया, एक बार और खेले, एक बार आखिरी हार जीत हो जाए। आओ भैया आओ। उठ बाबा, क्या जीत की हवस अब भी बाकी है? जीत की हवस नहीं भैया, सारी जिंदगी तुमको जीतने की कोशिश की, आज तुमसे हारने की हवस है। उठो मेरे भैया। क्या हुआ? क्या आप मुझे छोड़ना चाहते हो? अब नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, अब हम हमेशा के लिए पड़ोसी हो गए। दुनिया छूट जाएगी, जिंदगी छूट जाएगी, ये पड़ोस नहीं छूटेगा। दो गलियों का डेरा ये
जग दो घड़ियों का डेरा, जैसे चिड़िया लेत बसेरा, जब तक रहे अंधेरा। मनों में प्रीत का दिया जला कर, जग अंधियारा दूर हटाकर, जग अंधियारा दूर हटाकर, बड़े प्यार से सारी दुनिया मुसाफिर आओ। सुख आजादी रहे साथ में दुख बर्बादी, आन साथ में शान साथ में, प्राण देने साथ में, प्राण देने साथ में। जीने मरने हम साथी, जीने मरने के हम साथी, साथ रहे हैं साथ रहेंगे, रहे प्यार से सारी दुनिया मुसाफिर आओ रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड